मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल गौर ने कहा है अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे कांग्रेस से लड़ने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय, रघुनंदन शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, राघव जी, रामकृष्ण कुसुमारिया और सरताज सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने साइडलाइन किया। विधानसभा में जिनका सर्वे में नाम नहीं था उन्हें टिकट दिया। राघव जी की बेटी को टिकट नहीं दिया गया। जब उम्र का क्राइटेरिया नहीं था तो सरताज सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। रामकृष्ण कुमसारिया को भी बाहर कर दिया गया। मुझे भी बड़ी मुश्किल से एक टिकट बहू के नाम पर मिला। यह सब क्या हो रहा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के सहयोग के बिना पार्टी का भविष्य ठीक नहीं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को होने वाले नुकसान के संकेत भी दिए। कुल मिलाकर यह ऐसा लग रहा है कि बाबूलाल गौर शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जा सकते हैं और वे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।